अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय स्मार्ट किचन। आज हमारे किचन में बनने जा रही है बड़ी ईद के हवाले से दिल्ली निहारी। तो चले मैं आपको दिल्ली निहारी के इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ, इसकी रेसिपी बताती हूँ। इसके लिए आप दिल्ली निहारी का एक पैकेट ले लीजिएगा और मटन ले लीजिएगा बोनलेस। मटन भी आप यूज़ कर सकते हैं और बीफ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा प्याज, दही, लहसुन, अदरक, काली मिर्च और नमक और दिल्ली मसाले का एक पैकेट पड़ेगा। अब सबसे पहले आपने प्याज फ्राई करने हैं ऑयल में, इसमें मटन या बीफ को डाल के सब ब्राउन करना है। इसको प्याज अच्छी तरह ब्राउन होने देंगे तो प्याज निकाल लेना है कि ये अच्छे से मटन या बीफ फ्राई हो जाए या अपना कलर चेंज कर ले तो ज़रा इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाता है या मटन अच्छी तरह फ्राई हो जाता है। जब मटन अच्छी तरह फ्राई हो जाए और थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए तो आपने एक अलग पतीली लेनी है, उसके अंदर इसको डाल के इसका पानी इसी तरह एज इट इज़ आपने, क्योंकि बाद में हम ये भी यूज़ करेंगे, मैं आपको वो बाद में बताऊँगी कैसे। तो अब हमने इसके अंदर फ्राई करना है गोश्त और उसके अंदर हमने एक दिल्ली निहारी मसाले का पूरा पैकेट डाल देना है। ये तकरीबन 1 kg के लिए काफ़ी होता है। फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है और दही डाल देना है तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच, और लहसुन अदरक तो 2 से 3 चम्मच आप बड़े वाले डाल दीजिएगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इससे इसकी स्मेल भी जो आती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा धनिया पाउडर और हल्दी और धनिया पाउडर डालने के बाद आपने इसके अंदर नमक डालना है हसबे ज़ायका, जितना आप पसंद करें, और इसको गोश्त को आपने जो है भून लेना है अच्छी तरह। जब अच्छी तरह भून जाएगा फिर इसके अंदर आपने वो वाला पानी डालना है जो गोश्त का बचा होगा, और यही पानी जो है हमारा यूज़ होगा निहारी को जो है वो इसका सूप बनेगा। अब आपने इसको जो है वो प्रेशर लगा देना तकरीबन 1/2 घंटे का ताकि गोश्त आपका अच्छी तरह गल जाए, क्योंकि बिल्कुल इसकी बोटी जो है वो रेशा रेशा होनी चाहिए। और आपने एक साइड पे आटा जो है वो रख लेना है। आटा याद रखें थोड़ा सा तवे पे मैंने भून लिया था, उसके बाद इसमें पानी डाला। तो मैंने पानी डाल के आटे को थोड़ा सा आपने गूंद मतलब लिक्विड बना के साइड पे कर देना। ये देखिए गोश्त की ये ऐसे होना चाहिए कि हाथ लगाने से टूटे, ये चीज़ होगी तो आपकी जो है निहारी का मज़ा आएगा। अब ये जो मैंने आटे में पानी मिक्स करके रखा हुआ था, अब ये वाला स्ट्रेनर पहले रखिएगा लाजमी, ताकि आटे के में जो भी कोई और दूसरी चीज़ हो या कोई बबल्स बने वो जाके आपके निहारी को ख़राब ना करें। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया, अब ये देख लें कितनी थिक हो गई है निहारी। ये यहाँ पे इस कंडीशन में ये बिल्कुल पक जाएगी, और याद रहे आटा डालने के बाद इसको ज़्यादा देर पकाते नहीं हैं, तकरीबन 5 से 10 मिनट पकाने के बाद हल्की आंच पे आपने फ़ौरन चूल्हा बंद कर देना है, वरना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। ये हमने निहारी बना रहे हैं कस्टर्ड नहीं, इसलिए ज़्यादा इसको नहीं आपने पकाना, क्योंकि ये फिर ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं देगी। तो आप भी देख लें ये आपकी निहारी तैयार है। इसको इसके ऊपर मैंने लहसुन अदरक की बारीक बारीक काट के और हरी मिर्च की गार्निश की है, ऊपर नींबू डाल दिया। आप भी बड़ी ईद पे मज़े ले लेके खाइएगा और अपने मेहमानों को भी खिलाएगा। इंशाल्लाह फिर अगले किसी रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।